जगमोहन सिंह पट्टी एडवोकेट यूट्यूब चैनल अज तुहानू हरियाली और रास्ता दिखा रहा। हरियाली भी है, रास्ता भी है, रस्ते दे विच घा भी उगया होया ते पंछी किवें इंजॉय कर रहे ने। ये बरसात ने इस उही घा नू जिहड़ा सुक गया सीगा जमीन थल्लों नज़र आनी शुरू हो गई सी उहदे उत्ते अपनी बनस्पति दा फिर एक स्प्रे करके छिड़का करके बनस्पति नू मोलन दा अधिकार दिता है। ते तुसी अपने अधिकारां नू क्यों खो रहे हो और किस वजह करके तुसी अपने अधिकारां दा हनन होण दे रहे हो? तुसी क्यों अपने वैरी आप बन गए हो? इस गल दे उत्ते करनी है विचार तुहाडे नाल। ते विचार करन लई साडे पंजी हन साडे नाल ते नानी दे नुस्खे करांगे तुहाडे नाल रुस के। पंजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सब तो पहली चीज़ अज कल दे बच्चे चाहे वह धियां ने चाहे नूहां ने चाहे पुत है तो चाहे जवाई है सब तो पहले वो ये चीज़ करते हैं कि जे छोटे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना या घर के कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वह हर चीज़ के हल के लिए या तो डॉक्टर के कोल भजते हैं या बाहर भजते हैं जिदा नतीजा की होंगे कि डॉक्टर के क्लीनिक शानदार बंदे जा रहे हैं तो साढ़े घर जोड़े है साढ़े बच्चे सफ़र करते हैं क्योंकि एक बार कोई भी डॉक्टर प्रॉपरली बच्चे ठीक नहीं करता। मैं नहीं कहती सारे डॉक्टर इदा ने बच्चे ठीक भी हो जाते हैं पर फिर भी जो देखा जाए जो तो डॉक्टर नहीं होंगे सके तो की बीमारियां नहीं होंदिया सी ते जे बीमारियां होंदिया सी ते की उन्होंने इलाज नहीं होंगे सी। साड़ी कुदरत ने सानू बहुत सारे इलाज दिते हुए बहुत सारिया चीज़ा साड़ी किचन दे विच साड़े किचन गार्डन दे विच साढ़े घर के गार्डन के इस तरह दिया होंदिया ने जिन्हों के नाल बच्चों दिया छोटिया छोटिया प्रॉब्लम का इलाज किया जा रहा। मैं नहीं कहती डॉक्टर के कोल ना लेके जाओ पर जो प्रॉब्लम शुरू होंगी है जो उदों तुसी अपने घरेलू नुस्खे अपना लो तो मैनू नहीं लगता होंगे कि बजुर्गों के दसे हुए नुस्खिया का कोई नुकसान हो। जिस तरह जो छोटे बच्चे खांसी हो जाती है तो तुसी शहद के नाल अदरक कद्दूकस करो उसका पानी निकालो चमचे दे विच मिक्स करो बच्चे नू दे दो खांसी ठीक हो जाती है। जे मान लो ज़्यादा खांसी हैगी है या बच्चा थोड़ा वड्डा हैगा सियाणियां मामा पहले जमाने च की करदियां होंदियां सी घर दे विच काली मिर्च कुट के पीस के रख लैंदियां होंदियां सी उहनू शहद दे विच मिक्स करके रखदियां सी जे बच्चे नू खांसी होई ते विच थोड़ा जिहा अदरक मिलाया तो बिल्कुल जरा जिहा इन्ना चमचे की बैक साइड डिप की तो उन्होंने छंड के ना बच्चे चटा दिता जाता हों भी खांसी ठीक हो। मान लो जो बच्चे का पिंडा गर्म लगता पै सू लगता पै कि जी बच्चे दे अंदर बॉडी की तपश वध रही हैगी है यानी बुखार होने चांसिस है तो तुम तुलसी वाली चाह पिलाओ वो सब तो वधिया चीज़ है। वैसे भी जो असी रूटीन च बच्चों के दुध के थोड़ा जहा तुलसी का पानी उबाल के मिक्स कर दिए तो बच्चों नू छेती किते बुखार वगैरह खांसी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये चीज़ बच्चों नहीं साढ़े वड्डिया ने भी हैगी है कि जे असी जेड़ा हैगा तुलसी दे तुलसी वाली चाह पी लीए या सवेरे सवेरे उठ के तुलसी के पत्ते खा लीए तो छेती किते साढ़े शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस तो इलावा जे देखा जाए बच्चों अक्सर ठंड लग जाती है बच्चों की चेस्ट ब्लॉक हो जाती है खड़कन लग पी है खांसी के नाल जो तुम देखते दे हो कि बच्चों जोड़ा है ठंड लग रही हैगी उन्होंने बेसन का सीरा पिला सकते हो बच्चों जुकाम हो गया तुम उन्होंने बेसन का सीरा पिला सकते हो। जोड़े नॉन वैजीटेरियन लोग है वो अंडे गिलास के तोड़ो अच्छी तरीके फेंट लो तो उबलता हुआ दुध जिद थोड़ी जी चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखो तो दुध जोड़ा है गिलास के मिक्स करो तो ठंडा करके जिन्ना को कोसा बच्चा पी सकता उन्होंने वो पिला दो जोड़ा है बच्चे का जुकाम ठीक हो जाता है जी वो चेस्ट की ब्लॉकेज होंगी है वह ठीक हो जाती है। जो सर्दियाँ शुरू होंदिया सी तो सियाणिया मावं पुराने जमाने असी भी इस तरह ही करते हुए मान लो अक्तूबर नवंबर के सानू पता है साडा बच्चा थोड़ा जिहा कमज़ोर सेहत का है गया नवंबर के 15 दिन बाद एक बारी अंडे वाला दुध पिला दो ते दिसंबर के हफ्ते च एक बारी पिला दो जनवरी तक पिलाओ फरवरी च फिर 15 दिन बाद एक बारी करो मार्च तक बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है।
बेसन का सीरा पिलाओ। जे बच्चे जुकाम हैगा ईवन दैन जो वड्डिया भी जुकाम हैगा तो तुम बेसन का सीरा पी सकते हो। जो तुम की करना सिंपल बेसन में भुनो थोड़ा जहा देसी घ्यो दे चीनी पाओ ज़्यादा सारा पानी पा के उन्होंने रिझ दो। जो पक जाए तो वह सीरा जोड़ा हैगा पतला पतला सीरा तुम अगर गर्म गर्म पीते है तो थोड़े जुकाम आराम आ जाता है। भुजे हुए छोले खा के तू आराम आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे नुस्खे है नानी के नुस्खे कह सकते हैं जिन्हों छोटे तो व्डे बंद आराम आ सकता होंगे हैगा। सो साढ़े को बहुत सारिया चीज़ा ने लसन हैगा अदरक हैगा अगर असी जिन्हों हार्ट की प्रॉब्लम है अगर असी कच्ची तुरी सवेरे उठ के खा लेने लसन दी लसन जी तो हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक रहती है। दालचीनी का सेवन जी दालचीनी का सेवन हैगा। इस तो इलावा जे असी जेड़ा हैगा सवेरे उठ के जिस तरह मैं पहले दसिया कि तुलसी का सेवन सब तो वधिया चीज़ है बजाए असी जिदा कह लो जवैन वगैरह अपने घर जो उगा लीए छोटा जहा बूटा होंगे जो तुम इन्नी कु डंडी कट के भी लगा देंगे तो बड़ी अच्छी जवैन तुहाडे घर दे विच हो जांदी और कोई परवरिश की जरूरत नहीं अपने आप होंगी है अपने आप तुलसी का पत्ता भी तुलसी दे बूटा भी इदा ही हो जाता। बिल्कुल बजाए इस चीज़ के कि जी बाजारों जवैन खरीद के तुम वो पत्तिया वाली जवैन अगर यूज कर दो अपने परौंठियां अपन सब्जियां दे विच वैसे तुम चाह दे विच हल्का जहा करारा पान लिया भी यूज़ करते है तो ठीक रहती है। जो बच्चे नू किसी वेले पेट खराब हो जाता है तो दो केले कट्ठे खवा दो बच्चे का पेट बनया जाता है। ये एक देसी नुस्खा है। जो वड्डे का भी पेट खराब हो जाए तो वह भी दो केले कट्ठे खा लवे तो कहते हैं कि ठीक हो जाए। तो जे बच्चे कॉन्स्टिपेशन हो जाए या वड्डे कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो वो सब तो वधिया चीज़ हैगी कि सौंफ का पानी उबाल के अगर वो बच्चे पिला देते हैं या वड्डे पिला देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन वो प्रॉब्लम जी दूर हो जाती है। अज की इन्ना ही फिर मिलेंगे। बोर्नवेटा ने किन्ना को योगदान पाया है हिंदुस्तान की सेहत बनाने ते नाल ये भी दस दौ कि च्यवनप्राश ने भी किन्ना को बनाया इन्हों कंपनियां ने अपनी सेहत तो बनाई है पर देश की बनाई है या नहीं बनाई थोड़ा जहा चानना ये भी पा दौ। जे बोर्नवेटा वगैरह कुछ कम चीज़ा होंगे या इन्हों बच्चों की हाइट बढ़ती होगी तो फिर पुराने छे छे फुटे जवान हो ना होंगे तो अज के जोड़े जवान है वो पांच सत्त पांच छे वाले ना हो। खान पीन के नाल देसी घ्यो खिलाओ बच्चों बच्चों भजन नठना मौका दो मोबाइलों तो छुड़ाओ अच्छी खुराक दो तो बच्चों के कद बढ़ते हैं। जे तुम कहो कि बोर्नवीटा ये तो एक फ्लेवर ने जोड़े असी बच्चों पिला के एक मावा सौखा जहा राह लभ लेंदियां ने कि लो जी ये बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी तो बच्चे की सेहत ठीक घरों घर गवाया तो बाहरों पड़ुआ खवाया ना सेहत बनी तो ना रुपये थोड़े थोड़े को रहे वो ले गए बोर्नवेटा वाले या च्यवनप्राश वाले गल देखो किन्नी दूर तक जाती है। जे तुसी समझो तो गल बड़ी वड्डी है। जेड़े मिस्सियां रोटियां होंदियां सन बेसन वाली रोटी जिहदे च अनारदाने का सेवन हुंदा सीगा मावा पांदियां सी प्याज पांदियां सी उन्हां तों अज साडे बच्चे जिहड़े ने नक मूँह वटदे ने तो वह नतीजा तुहानू साफ तो स्पष्ट तौर पर सामने आता है ऐनकां लगियां होईयां बच्चों नू क्यों क्योंकि खुराक की मार वग गई है माँ को टाइम नहीं। माँ अजकल इन्नी सुखियारी हो गई है कि उन्हूं यही नहीं पता कि मैं किस तरह बच्चे की परवरिश करनी है। जे परवरिश रुल गई बच्चों की तो तुहाडे देश की परवरिश रुल गई तुहाडे देश का फ्यूचर रुल गया तो फिर आपां कित्थे खड़े हाँ। इस गल नू लिओ विचार ते अपना दियो फीडबैक नालो नाल एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी नू दियो इजाजत। ये देश हित च पा दिती गई है वीडियो तुहाडी सेहत दी खातर पा दिती गई है वीडियो। इस नू वध तों वध चैनल नू सबसक्राइब करना शेयर करना ते ये नुस्खे नानी माँ दे जिहड़े दसे होए ने इन्हां नू पल्ले बन के रखना गल्लां इन्नियां कोई ज़्यादा नहीं ते सत श्री अकाल।